हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा एक रेमेडी है जिसे आप हर कोई यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्राइटनिंग स्किन के लिए, पिंपल्स के दाग रिमूव करने के लिए। जैसे छोटे छोटे दाग होते हैं तो उसे रिमूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, सो उसे आप बहुत ही ईजी तरीके से रिमूव कर सकते हो। जस्ट आप इस वीडियो को देखो और इसे ट्राई जरूर करना। तो ये हमेशा की तरह मैंने ये हैंकी को वेट कर लिया है और इस पे मैं फेस वॉश डालूंगी। पहले मैं अपना स्किन को थोड़ा गीला कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे फेस वॉश ले रही हूँ और इसे आपको बिल्कुल ही जेंटली तरीके से करने है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा घिस के करोगे तो वो स्किन पतले होते हैं और ये जब ड्राई हो जाते हैं तब आपको देखते हैं कि स्किन पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो फास्ट किया बट मैं बहुत ही जेंटली इसे यूज़ की हूँ और अच्छे तरीके से आपको रब करने है। और हैंकी बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं है, पूरे सॉफ्ट है। और इसे अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है, फेस को वॉश कर लिया है। अभी मैं ये बनाना पिल्स है केले के छिलके, ये जो वाइट वाइट है ना इसे निकालना नहीं है, इसे फेंकना नहीं है, बिकॉज यही जो है हमारी स्किन पे वर्क करे। तो मैंने ऐसे दो अलग अलग ले लिया है और इस पे आपको करनी यह है कि जो हनी है वो हनी को आपको थोड़े सा ले लेना है। आप देख लेना आपको कितने ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा ओपन नहीं कर रही थी कि पूरा गिर जाएगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हनी ले लेने और इसे पूरे फेस पे बहुत ही अच्छे से रब करने हैं, पूरे फेस पे। एटलीस्ट आपको 5 to 10 मिनट्स आप इसे अच्छे से रब करना, क्योंकि अगर आप अच्छे से रब नहीं करोगे तो इसके जो वाइट वाइट ऊपर की जो परत है वो पूरे स्किन पे नहीं जाएंगे। तो इस तरह से मैंने पूरे अच्छे से पूरे स्किन को रब किया। एटलीस्ट में 10 मिनट्स आपको करने ही है, तो वो क्या होता है ना कि इफ़ेक्ट दिखते हैं इमीडिएटली। तो मैं यहाँ पे पूरे अच्छे से 10 मिनट्स तक मैंने रब किया और यकीन मानो आप ये इतने अच्छे स्किन के लिए, तो स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। इवन आपके स्कार्स जो हैं, पिंपल्स के दाग होते हैं वो रिमूव करने के लिए आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। आप इसे ट्वाइस अ डे यूज़ कर सकते हो या वीक में 3 बार यूज़ ज़रूर करना, तो इसके इफ़ेक्ट आपको बहुत ही जल्दी दिखेंगे। ऐसे मेरे फेस पे ज़्यादा दाग नहीं था बट ड्राइनेस मुझे होता है कभी कभी एसी की वजह से, तो मैं उसके लिए भी यूज़ करती हूँ और स्किन वाइटनिंग के लिए, क्योंकि मेरे स्किन नॉर्मल है, ज़्यादा वाइट नहीं है, मैं ज़्यादा डार्क भी नहीं हूँ। तो मुझे स्किन वाइटनिंग के लिए मैं कुछ भी करती हूँ जो मेरे स्किन के लिए अच्छे होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं और जो हार्मफुल ना हो। तो मैं इस तरह से यहाँ पे पूरे फेस पे अच्छे तरीके से मैंने रब कर लिया है और आप देख रहे हो कि पूरा ये डार्क दिख रहा है, इस वजह से क्योंकि इसमें हनी भी है और जो केले के छिलके के वाइट थे वो पूरे फेस पे आ गया है। तो और मैंने ये पूरा लगा लिया है और इसके केले के छिलके के ऊपर जितने भी वाइट थे वो पूरा मेरे फेस पर आ गया है अच्छे तरीके से। अभी मैं इसे 10 से 20 मिनट रखूँगी, उसके बाद कोल्ड वाटर से रिंस करूँगी।